अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशामदीद। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश। और आज हम गए थे वीडियो के स्टार्ट में, ये फ्रूट वाली अंकल को दिखाने का मकसद पता है क्या है कि इन्होंने ना अपनी रेड़ी के ऊपर एक स्पीकर लगाया हुआ था जो नॉन स्टॉप बोली जा रहा था, 200 रुपये 200 रुपये। मैं तो कहती हूँ कि आसपास शॉप्स वालों का हौसला होता है जो ऐसे स्पीकर्स को बर्दाश्त करते हैं और कोई आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। नॉइस पोल्यूशन के साथ साथ ये तो कानों के लिए भी बहुत ही मुश्किल और तकलीफ देता। मैं मम्मी के साथ पार्सल रिसीव करने गई और तकरीबन हमें वहाँ पे 10 मिनट खड़ा होना पड़ा और इन 10 मिनट में इन भाई साहब के स्पीकर ने तो मेरे कान की बुरी हालत कर दी। खैर, फिर शाम को ना अब्दुल्ला को जी ये वाले टोस्ट बड़े पसंद है, तो ब्रेड माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट थी ना कि मेरे दूध के अंदर मैंने इसको जैसे ही डिप किया ना तो वैसे ही ये ना इतनी ढीली होगी ना। तो खैर, ये ना टोस्ट अब्दुल्ला को बड़े पसंद है, वो दूध और अंडे वाला टोस्ट ना लाजमी खाता है और मैं भी उसको बना के देती हूँ, लेकिन आज वाला टोस्ट पता नहीं कैसे बना है। हर वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी और ये बहुत दिन पहले की वीडियो थी, लेकिन आज चूँकि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की और सारा दिन मैं ऐसे ही बैठी रही, दाल चने चावल बनाए और फिर बस ना मैंने जो शॉर्ट क्लिप्स जो आप लोगों को नहीं दिखाए ना वो वाले रिकॉर्ड किए हुए थे। और ये ना हमारे अम्मी के घर पर पुदीना लगा हुआ है और वहाँ से मैंने ना तोड़ के लाई, और ये फ्रेश मिंट इतने मज़े का होता है ना जब हम कोई जूस वगैरह बनाए ना तो उसके अंदर शामिल करें या चावलों के अंदर शामिल करें तो ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। तो यहाँ पे आज मैंने बनाए थे काले चने और उनकी भी थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड की। और बस आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दे इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।